अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ग्रेड 6, सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ हिस्ट्री, लेक्चर नंबर 6। आज लेक्चर नंबर 6 में हम यूनिट नंबर 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिमेनिंग पार्ट करेंगे, पेज नंबर 8 to 13। आज के हमारे टॉपिक हैं रिलीजियस बिलीव्स ऑफ इंडस वैली पीपल, सोशल सिस्टम एंड इट्स प्रोमिनेंट फीचर्स। इसमें हम इसके तमाम फीचर्स पढ़ेंगे। द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5। तो लेट्स स्टार्ट। रिलीजियस बिलीव्स ऑफ इंडस वैली पीपल। द रिलीजन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कुड नॉट बी गेस्ड थ्रू एनी कंपोजिशन। हाउ एवर देयर हैव बीन फाउंड द पोर्ट्रेट्स ऑफ गॉड्स एंड मदर गॉडेसेस ऑन स्टैम्प्स विच रिफ्लेक्ट दैट दे यूज टू वर्शिप द स्टैचू एंड गॉड्स। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनके बारे में मुकम्मल तो नहीं कहा जा सकता कि ये किस तरह का मज़हब को मानते थे, लेकिन इनकी चीज़ों में यानी कि इनके आसार में जो चीज़ें मिली उनमें गॉड और मदर गॉडेसेस के स्टैम्प्स मिले, इसके अलावा स्टैचूज मिले जिससे ये पता चलता था कि ये भी पूजा करते थे बुतों की। क्ले स्टैचूज वर ऑल्सो मेड फॉर वर्शिपिंग पर्पसेस। मट्टी से बने हुए स्टैचू थे जो जिनकी लोग पूजा कर रहे थे। पीपल यूज टू कंसीडर द ट्रीज ऑफ होली वैल्यूज। हेयर एनिमल्स वर ऑल्सो वर्शिप एज अ कस्टम। यहाँ पे जानवरों की भी पूजा की जा रही थी। द पोर्ट्रेट्स ऑफ द बुल, राइनोसीरोस, लाइन एंड एलिफेंट हैव बीन फाउंड। द इंडस वैली पीपल बरीड देयर डेड बॉडीज एज वेल एज बर्न्ड देम। यानी कि इंडस वैली सिंध की तहजीब के लोग बॉडीज़ को मरने के बाद लोगों को दफनाते भी थे, इसके अलावा वो जलाते भी थे। दोनों तरह के काम यहाँ पे किए जा रहे थे। सोशल सिस्टम एंड इट्स प्रोमिनेंट फीचर्स। इंडस वैली सिस्टम वॉज रन अंडर अ रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन। इट वॉज कन्फोर्स्ड टू कीप द सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट करेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। स्वीपर्स वर बाउंड टू कीप स्ट्रीट्स एंड पाथ नीट एंड क्लीन। यानी कि वहाँ पर भी ये सारा सिस्टम था कि स्वीपर्स जो हैं वो स्ट्रीट्स को और रास्तों को साफ करते थे। डेट सोसाइटी हैड बीन डिवाइडेड इन टू डिफरेंट सेक्शंस। अब जो सोसाइटी थी, जो माशरा था, वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया था। टाउन प्लानिंग प्रोवाइड अस इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। लैंडलॉर्ड्स एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन रिजाइडेड इन अपर पार्ट्स इन लार्ज एंड स्पेशियस हाउसेज। यानी कि जो लैंडलॉर्ड यानी अमीर लोग थे वो बड़े बड़े घरों में रहते थे अपर पार्ट्स में। सेपरेट क्वार्टर्स हैड आल्सो बीन रिजर्व फॉर सर्वेंट्स। सर्वेंट्स के लिए सेपरेट क्वार्टर बने हुए थे। मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैड बीन पुअर। और ज़्यादातर जो लोग थे वो गरीब थे। दे लिव इन लोअर एरियाज इन स्मॉल हाउसेज। वो नीचे के एरियाज में छोटे घरों में रहते थे। फार्मर्स लिव इन विलेजेस वाइल्ड नोमाड्स वंडर्ड विद हर्ड्स ऑफ कैटल इन फॉरेस्ट एंड प्लेन्स। आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स आल्सो लिव इन सिटीज। ग्रैंड पैलेसेस टेम्पल्स एंड टॉम वर नॉट सीन इन सिटीज। बड़े बड़े पैलेस मंदिर और टॉम वगैरह वहाँ पर नहीं पाए जाते थे। जॉब्स हैड बीन एलोकेटेड अमंग मैन एंड वुमेन। यानी कि औरतें और मर्द दोनों काम करते थे। वुमेन यूज टू ग्राइंड वीट, वीव क्लॉथ एंड लुक आफ्टर द कैटल, वेयर एज कल्टिवेशन, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन वर स्पेसिफाइड फॉर मैन। कॉटन वॉज कल्टिवेटेड इन इंडस वैली। स्पिंडल्स ऑल्सो हैव बीन फाउंड इन होम्स विच इंडिकेट दैट वीविंग क्लॉथ वॉज ऑल्सो अ प्रोफेशन ऑफ दोज पीपल। स्टैचूज ऑफ क्ले एंड प्रिंटेड क्लॉथ गिव इम्प्रेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वुमेन यूज टू वेयर नेकलेस। औरतें जो थी वो नेकलेस पहनती थी, स्टिंग्स ऑफ बीड्स एंड बेंगल्स फॉर डेकोरेशन। दे वर ऑल्सो यूज टू वेयर लहंगा, लॉन्ग स्कर्ट। मैन यूज टू वेयर शॉल। वहाँ की जो औरतें थी वो लहंगे पहनती थी यानी कि लॉन्ग स्कर्ट, और जो मैन थे वो शॉल। उसके बाद है स्क्रिप्ट। द पीपल ऑफ इंडस वैली कुड रीड एंड राइट। इंडस वैली की यानी कि सिंध की तहजीब के लोग पढ़ भी सकते थे और लिख भी सकते थे। देयर मोड ऑफ राइटिंग वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड। इनके लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा दिलचस्प और मुश्किल था। अ सुप्रीम सिस्टम ऑफ राइटिंग वॉज कंडक्टेड इन दैट पीरियड विच हैड 400 सिम्बल्स। यानी कि 400 सिम्बल्स थे जिनके जरिए से वो लिखते थे। मर्चेंट, सोल्जर्स एंड पोलिटिकल पर्सनैलिटीज यूज इट। द एक्सपर्ट ऑफ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कुड नॉट फाइंड देयर मीनिंग टिल नाउ। यानी कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स भी अब तक इनके मायने नहीं निकाल पाए। ये आपको स्क्रिप्ट नज़र आ रही है, ये स्क्रिप्ट थी जिसको वो यूज़ करते थे लिखाई करने के लिए। सर्टेनली सम एक्सपर्ट्स हैव फॉर्म एन आइडिया। लेकिन कुछ एक्सपर्ट ने एक आइडिया निकाला डेट दिस स्क्रिप्ट कंसिस्टेड ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज। के ये जो स्क्रिप्ट थी उनकी एक से ज़्यादा लैंग्वेजेज हैं। मैनी कॉर्नर्स ऑफ द सिविलाइजेशन विल बी हिडन अनटिल एन एक्सपर्ट डज नॉट रीड द वर्ड्स एंड द मोड ऑफ राइटिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। यानी कि इस सिविलाइजेशन की बहुत सी चीज़ें अभी भी छुपी रही हैं, जिसकी वजह यह है कि एक्सपर्ट जो है अभी तक इन वर्ड्स के मीनिंग नहीं जान पाए कि क्या लिखा गया है। उसके बाद है एग्रीकल्चर। द सोइल ऑफ इंडस वैली वॉज फर्टाइल।
सिंध की जो इलाके की ज़मीन थी वो जरखेज़ थी। द डिपेंडेंस ऑफ इट्स वेल्थ वॉज अपॉन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। इस इलाके की दौलत का और इसके का इन्हसार एग्रीकल्चर पे, यानी कि ज़रात पे था और तजारत पे। द मेजोरिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिस्टेड ऑफ फार्मर। वहाँ के ज़्यादातर जो लोग थे वो किसान थे। हु मेड द सॉइल फिट फॉर कल्टिवेशन पर्पज़ आफ्टर कटिंग द फॉरेस्ट। इनको जंगलों को काट के बाद में उसके ऊपर खुदाई करके ज़मीन को जरखेज़ बनाते थे या तैयार करते थे उसके ऊपर फसलें उगाने के लिए। द क्रॉप्स वर डैमेज ड्यू टू द सीजनल रेन्स। बारिशों की वजह से, मौसमी बारिशों की वजह से जो फसलें थी वो तबाह हो जाया करती थी। पीपल रिटेन द वाटर टू मेक बैंक्स और रिवर फॉर कल्टिवेशन। द साइन ऑफ क्रॉप्स विच हैव बीन फाउंड फ्रॉम द सेटलमेंट इट इज सेट ऑन दिस बेसिस बेस्ड एट द वीट माइलेट बार्ले वेचिस पीस इंडियन माइलेट सीसाम सीड राइस लिनसीड मस्टर्ड सीड एंड कॉटन वास प्रोड्यूस। द साइन ऑफ डेट्स मेलन एंड ग्रेप्स हैव बीन फाउंड अमंग फ्रूट्स। यानी कि खजूर खरबूजा और अंगूर के जैसे फ्रूट्स जो हैं वहाँ पर खाए जाते थे। पीसफुल सोसाइटी। फ्यू नंबर ऑफ ह्यूज वेपन्स हैव बीन फाउंड ड्यूरिंग डिगिंग ऑफ सिटीज़। यानी कि इस शहर की खुदाई के वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में वेपन्स मिले। द रूलर्स हैड नॉट केप्ट अ लार्ज आर्मी और पुलिस। लेकिन जो रूलर्स थे वहाँ के, उनके पास बहुत ज़्यादा तादाद में पुलिस और आर्मी नहीं थी। दे मेंटेन द रिलेशन विद देयर नेबर्स एंड कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। उन्होंने अपने इर्द गिर्द की तहजीबों से और अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात कायम किए हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ पीस, सुकून के बेस पे। द कॉमन वेपन्स हैव बीन फाउंड ड्यूरिंग डिगिंग कैन बी यूज ओनली फॉर हंटिंग। यानी कि जो ज़्यादातर हथियार मिले वो शिकार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। दिस इंडिकेट्स डैट दोज पीपल लेड पीसफुल लाइफ। इससे ये पता चला कि ये लोग एक सुकून की, पुरसकून जिंदगी गुजार रहे थे। नो प्रूफ वॉज फाउंड अबाउट असैसिनेशन एंड प्लंडरिंग इन द सोसाइटी इन डैट सोसाइटी। द प्रेजेंस ऑफ बुल कैटल वर द पार्ट ऑफ देयर लाइव्स। मवेशी जो थे इनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा थे। द लार्ज नंबर ऑफ द स्केल्टन ऑफ बुल्स हैव बीन फाउंड इन द इंडस वैली। यानी कि बुल्स जो थे, बैलों के ढांचे बहुत ज़्यादा तादाद में इस इलाके से मिले। इट शोज डैट इट वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस टू रियर द बुल्स। द बुल वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू। बैल जो था इनके ख्याल में एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम जानवर था। काउंटलेस सील्स विद बुल्स पिक्चर एंड क्ले टॉयस हैव बिन फाउंड। यानी कि मट्टी से बने हुए खिलौने जो कि बुल की शक्ल के थे, बैल की शक्ल के, और बैल की शक्ल की सील्स मिली या सील्स मिलती थी जिनके ऊपर बैल की शक्ल बनी होती थी। द पीपल ऑल्सो यूज द बुल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कमर्शियल एक्टिविटीज। द ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड मिनरल्स हैड बिन कैरिड अमंग सिटीज एंड विलेजेस ऑफ इंडस वैली। इंटरनल ट्रेड हैड बिन हैपन बाय बुलॉक कार्ट्स। वेट्स एंड स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हैव बिन फाउंड विच आर मेड ऑफ स्टोन्स इन क्वाड्रिलेटरल शेप। क्वाड्रिलेटरल शेप में मिले पत्थर मिले जिनको ये नापने के लिए या मेजरमेंट के लिए यूज़ करते थे। टाउन प्लानिंग। द पीपल ऑफ इंडस वैली हैड एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। यानी कि वहाँ के लोगों के पास बहुत ज़्यादा मालूमात थी आर्किटेक्चर की। सिटीज़ एंड टाउन हैड बिन कंस्ट्रक्टेड विद ग्रेट टेक्निक एंड प्लानिंग। जो उन्होंने शहर और गांव बनाए हुए थे, कस्बे या शहर बनाए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छी टेक्निक्स के साथ और प्लानिंग के साथ बनाए थे। आर्टिसंस हैड नोन द आर्ट ऑफ मेकिंग एंड बेकिंग द ब्रिक्स। यानी कि वहाँ के लोगों को पता था, उनको हुनर हासिल था कि किस तरह से ईंटें बनाई जाती हैं। दे मेड द फाउंडेशन ऑफ हाउसेस प्रोफाउंड एंड डीप स्ट्रॉन्ग एंड ऑल्सो पेड अटेंशन टू एक्सटीरियर ब्यूटी। यानी कि वो लोग बहुत ज़्यादा बेस बहुत अच्छी रखते थे और बाहर से भी एक्सटीरियर ब्यूटी भी बहुत अच्छी बनाते थे घरों की। हाउसेज हैड बीन बिल्ट ऑन द एज ऑफ द रोड्स ऑफ सिटी। सड़कों के किनारों पर और जो शहर में से सड़कें गुजर रही थी उनके किनारों के ऊपर उन्होंने घर बनाए हुए थे। बेक ब्रिक्स वर यूज इन देयर कंस्ट्रक्शन। पकी हुई ईंटें जो थी इन इमारतों के बनाने में इस्तेमाल हुई थी। एवरी हाउस हैड बाथरूम विच हैड बीन मेड टूवर्ड्स आउटर स्ट्रीट। यानी कि आउटर स्ट्रीट की तरफ हर घर में बाथरूम भी मौजूद था। हाउसेज हैड मोर देन वन स्टोरी। यानी कि एक स्टोरी से ज़्यादा के घर थे। लेडर्स हैड बिन यूज टू गो टू अपर स्टोरी। लेडर्स भी बनी, यानी सीढ़ियाँ भी यूज़ की जा रही थी जिनसे वो ऊपर वाली स्टोरी पे जाते थे। देयर वॉज अ रीजनेबल अरेंजमेंट ऑफ लाइट एंड एयर इन हाउसेज। यानी कि रोशनी और हवा के लिए भी उन्होंने जगह बनाई हुई थी। ऐसा घर बनाते थे जिसमें बाथरूम भी घर के अंदर मौजूद है और डबल स्टोरी घर होते थे, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी इस्तेमाल की जा रही थी। यानी कि ये सब कुछ उस इलाके में मौजूद था। अब यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं उस तहजीब की। Roads had been constructed with such a style in ancient Harappa that people could easily move among different towns and streets. यानी कि सड़कें उन्होंने इस स्टाइल से बनाई थी कि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सके। Narrow gates had also been made
from which a bull or cart could pass easily at one time. It has been found by digging that a straight road was 1 kilometer long and 9 meters wide. 9 kilometer lambi aur 9 meter chodi hoti thi. 1 kilometer lambi aur 9 meters wide thi, yani ki chodi. Drainage system. There was an excellent drainage system. All filthy water, narrow and wide drains were made in proper order for the outlet of dirty water. यानी कि drainage system भी उनका इतना अच्छा था कि गंदे पानी के निकास के लिए उन्होंने बारीक नालियाँ, चौड़ी नालियाँ बनाई हुई थी जहाँ से आराम से पानी गुजरता था. Narrow drains had been covered by bricks and wide drains by large marble slab. जो पतली या छोटी नालियाँ थी वो ईंटों से, जबकि जो बड़ी नालियाँ थी उनको लार्ज मार्बल स्लैब्स के साथ ढका हुआ था. The stinking water had been brought together with wide drains. Thus, stinking water was flowed out from cities. There is no example of any other city built in ancient period which has such a perfect facilities for the drainage of the filthy water. यानी कि इससे पहले जितनी भी पुरानी तहजीबें या पुरानी शहर मिले हैं या निकाले गए हैं, उनमें किसी में भी ऐसा नहीं देखा गया कि इतना परफेक्ट फैसिलिटीज जिसके अंदर मौजूद हों ड्रेनेज सिस्टम के लिए. Godowns of grains. Mostly godowns of grains were situated on the bank of river in Mohenjo-daro. The collected wheat from different areas was brought to godowns by the river routes and then had been sent to other region. यानी कि गंदुम इकट्ठी करके बाद में अगले इलाकों में भेज दी जाती थी. Concrete roads had also been made for this purpose. Concrete की सड़कें बनी हुई थी इस मकसद के लिए. Solid floors had been made in godowns. The salaries of government servants had been paid for that grain. The grain had also been used as currency. यानी कि जो दाना था, जो ग्रेन्स थे, उनको भी यूज़ किया जाता था एज अ करेंसी. यानी बार्टर सिस्टम के अंदर वो ग्रेन्स को भी यूज़ करते थे. ह्यूज गोडाउन्स ऑफ ग्रेन्स वर फाउंड इन हड़प्पा विच हैड बीन यूज्ड टू स्टोर एक्स्ट्रा ग्रेन्स. एवैक्यूएशन ऑफ लोकल कम्युनिटी. पीपल ऑफ द इंडस वैली वर सिविलाइज्ड, पीसफुल एंड डेवलप. यानी कि वो तरक्की याफ्ता भी थे, पुरसकून भी थे और सिविलाइज भी थे. आर्यन असाइलेंट्स डिस्ट्रॉयड देयर ग्रेसफुल सिविलाइजेशन. आर्यंस वर वॉरियर्स. जो आर्यंस थे वो वॉरियर्स थे. दे हैड वॉर हॉर्सेज एंड एक्सीलेंट वेपन. उनके पास जंगी घोड़े और बहुत आला हथियार थे. व्हेन आर्यंस अटैक इंडस वैली इनहैबिटेंट्स. यानी आर्यंस ने जब हमला किया इंडस वैली की इनहैबिटेंट्स के ऊपर, दे कुड नॉट फेस देम. तो वो उसके ऊपर तो वो उसका मुकाबला नहीं कर सके, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये लोग जो थे पुरसकून जिंदगी गुजार रहे थे, तो इनके पास जंगी हथियार तो थे ही नहीं इतने ज़्यादा. इनके पास जो हथियार थे उनको सिर्फ शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे. तो जब आर्यंस ने इनके ऊपर हमला किया तो इनका मुकाबला कर ना सके, क्योंकि इनके पास उतने आला या उतने एक्सीलेंट हथियार मौजूद नहीं थे. आर्यंस हैड पुश्ड द लोकल कम्युनिटी टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एंड बिकम ऑक्यूपेंट्स. आर्यंस ने जो लोकल कम्युनिटी थी, वहाँ के रहने वाले लोग थे, उनको साउथ ईस्ट की तरफ भेज दिया और खुद वहाँ पर कब्जा कर लिया. द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन गेन्ड अ मैग्निफिशेंट प्लेस बाई मेकिंग अ प्रोग्रेस ग्रेजुअली. इट्स अफेक्ट्स हैड बीन इम्प्लीमेंटेड अपॉन अ वास्ट रीजन, बट सडनली इट हैड डिसअपीयर्ड इन 1500 BC. इट्स सिटीज हैड बीन बरीड इन टू अर्थ. इट्स आर्ट्स, रिलीजन एंड कल्चर वर इनविजिबल फ्रॉम आईसाइड. यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होना शुरू हो गई. 1500 BC में ये बिल्कुल डिसअपियर हो गई. इनके जो आर्ट्स थे, इनका मजहब, इनका कल्चर बिल्कुल इनविजिबल हो गया, यानी कि वो नजर आना ही बंद हो गया. देर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस अमंग आर्कियोलॉजिस्ट टू फाइंड द रीजन अबाउट डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. यानी कि डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनकी डिफरेंट ही थ्योरीज हैं कि इसकी डिक्लाइन की वजह क्या थी, इसकी नाकामी की वजह क्या थी. It is estimated that both internal and external factor were involved in its decline. यानी कि internal और external दोनों factors मौजूद थे जिनकी वजह से ये जो है civilization ख़त्म हो गई. Some experts think that this civilization had come to an end due to natural calamities like earthquake and floods. यानी बास experts का कहना ये है कि जलजले या सैलाब की वजह से ये इलाका ख़त्म हो गया. Some experts think that epidemics, disease played a significant role to undo the Indus Valley civilization. Drought was also its major cause according to one opinion, because when rivers changed their course then supply of water had become impossible and this region had become barren. यानी कि जब उसको पानी का सही पानी नहीं मिला तो वो इलाका था वो बंजर हो गया. वेल पॉपुलेटेड सिटीज़ ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हैड बीन अटरली डिस्ट्रॉयड. यानी बुरी तरीके से तबाह हो गई वो सिटीज़. सम एक्सपर्ट थिंक दैट पीपल intensively cultivated the land. They had finished the fertility of the land by cutting the forest. यानी कि जंगलों को काट काट के उस इलाके की जो जरखेजी थी वो ख़त्म हो गई. The pastures of for animals had come to an end. इस तरह से जो लोगों जानवर थे वो भी अपने एंड को पहुँच गए जंगलों के काटने की वजह से. Some experts consider that the trade had been finished with Mesopotamia and other contemporary civilization. और बाज़ experts का कहना ये है कि तजारत की वजह से
जब तजारत ख़त्म हुई उसकी वजह ये थी कि मेसोपोटामिया और अदर जो दूसरी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी उनकी वजह से ये जो तहजीब थी ख़त्म हो गई। अ मेजर पोर्शन ऑफ इनकम कुड नॉट रिटेन ड्यू टू दिस रीजन, इसकी वजह से जो मतलब ट्रेड ही जब ख़राब हो गई इन इलाकों के साथ, जो ज़्यादा मजबूत इलाके थे उनके साथ ही तजारत करते थे, जब उन इलाकों के साथ तजारत ख़त्म हो गई तो फिर इनकी सोर्स ऑफ इनकम ही कुछ ना रहा, जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन जो है वो नाकाम हो गई, कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है। व्हेन सिटीज़ एंड कॉलोनीज हैड बिन रियोन देन पीपल माइग्रेटेड टू अदर प्लेसेस, और जब इलाके सिटीज़ कॉलोनीज जो हैं वो ख़राब हो गई, तबाह होना शुरू हो गई, तो जो लोग थे वो दूसरे इलाकों की तरफ चले गए, हिजरत कर गए। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिया, 3, 4 और 5 अभी हम करेंगे। उससे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, टिक मार्क द राइट चॉइस ऑफ द ईच स्टेटमेंट। विच सिटी हैड केप्ट द स्टेटस ऑफ सेंट्रल प्लेस इन द इंडस वैली, मोहिंजोदाड़ो, टेक्सिला, मुल्तान, हड़प्पा। राइट ऑप्शन इज 1, मोहिंजोदाड़ो। वट प्रोफेशन हैड बीन चूजन बाय द मेजोरिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इनहेबिटेंट्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फिशरी, लेबर। राइट ऑप्शन इज 1, एग्रीकल्चर। हु डिस्ट्रॉयड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, लोकल पीपल, आर्यंस, हिंदूज, इजिप्शियंस। राइट ऑप्शन इज 2, आर्यंस। विच एनिमल हैड बीन कंसिडर्ड द सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली, हॉर्स, बुल, काउ, शीप। राइट ऑप्शन इज 2, बुल। वट टाइप ऑफ पीपल वर द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली, सिविलाइज, अनसिविलाइज्ड, वरियर, बैकवर्ड। राइट ऑप्शन इज 1, सिविलाइज्ड। इसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, नरेट द सोशल सिस्टम एंड रिलीजियस बिलीफ ऑफ इंडस वैली। सबसे पहला आप हेडिंग लिखेंगे सोशल सिस्टम। पॉइंट नंबर 1, इंडस वैली सिस्टम वॉज रन अंडर अ रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन। पॉइंट 2, द सोसाइटी हैड बीन डिवाइडेड इन टू डिफरेंट सेक्शंस। पॉइंट 3, लैंडलॉर्ड्स एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन रेजाइडेड इन अपर पार्ट्स इन लार्ज एंड स्पेशियस हाउसेज। पॉइंट 4, मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैड बीन पुअर, दे लिव इन लोअर एरियाज इन स्मॉल हाउसेज। उसके बाद रिलीजियस बिलीव्स, क्ले स्टैचूज वर आल्सो मेड फॉर वर्शिपिंग पर्पसेज, पीपल यूज टू कंसिडर द ट्रीज ऑफ होली वैल्यूज। पॉइंट 3, एनिमल वर आल्सो वर्शिप एज अ कस्टम। पॉइंट 4, द इंडस वैली पीपल बरीड देयर डेड बॉडीज एज वेल एज बर्न देम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ नोट ऑन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड ऑफ इंडस वैली। एग्रीकल्चर की हेडिंग लिख के फिर आप लिखेंगे पॉइंट 1, द सॉइल ऑफ इंडस वैली वॉज फर्टाइल। पॉइंट 2, द मेजोरिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिस्टेड ऑफ फार्मर्स। पॉइंट 3, द साइंस ऑफ क्रॉप्स विच हैव बीन फाउंड फ्रॉम द सेटलमेंट, इट इज सेट ऑन दिस बेस डेट द वीट, माइलेट, बार्ले। उसके बाद ट्रेड की हेडिंग लिख के पॉइंट 1, द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड ट्रेड रिलेशंस विद साउदर्न ईरान, इराक, इजिप्ट एंड पर्शिया गल्फ। ट्रेड हैड बीन इस्टेब्लिश अंडर बार्टर सिस्टम, ऑफिशियल स्टैम्प हैड बीन यूज फॉर दिस पर्पज। पॉइंट 4, सी ट्रेड एंड वोएगर हैड बीन कंडक्टेड ऑन ह्यूज बोर्ड्स और वुडन शिप्स, देयर वॉज ऑल्सो अ सिस्टम टू पे टैक्सेस। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द इंडस वैली टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग की हेडिंग लिखे फिर आप लिखेंगे पॉइंट 1, द पीपल ऑफ इंडस वैली हैड एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ आर्ट। पॉइंट 2, सिटीज एंड टाउन्स हैड बीन कंस्ट्रक्टेड विद ग्रेट टेक्निक एंड प्लानिंग। पॉइंट 3, हाउसेज हैड बीन बिल्ड ऑन द एज ऑफ द रोड्स ऑफ सिटी, बेक ब्रिक वर यूज इन देयर कंस्ट्रक्शन। पॉइंट 5, एवरी हाउस हैड बाथरूम विच हैड बीन मेड टूवर्ड्स आउटर स्ट्रीट, हाउसेज हैड मोर देन वन स्टोरी, देयर वॉज अ रीजनेबल अरेंजमेंट ऑफ लाइट एंड एयर इन द हाउस। इसके साथ ही आपका यूनिट नंबर 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट होता है। आपने तमाम काम को अपनी कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करना है और इसको आपने याद भी करना है। आपका लेक्चर नंबर 6 यहाँ पर एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।